न्यू मेट्रो सिटी उज्जैन में जो तीन कॉमन सवाल सुनने को मिलते हैं, नंबर वन के साथ मला प्लॉट का साइज क्या है, नंबर टू के साथ मला प्लॉट पे कितना कवर्ड एरिया अलाउड है, एंड नंबर थ्री के साथ मला प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन करेंगे तो उनको बायलॉज क्या इजाजत देते हैं। ये तीन सवाल हो गए प्लॉट की डिटेल्स के हवाले से। अब प्लॉट की प्राइस के हवाले से चौथा सवाल पूछा जाता है, तो इस वीडियो में ट्राई करूंगा मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा कि तमाम क्वेश्चन जो जनरल मेंबर्स की तरफ से पूछे जाते हैं उसको गाइड कर सकूँ। नंबर वन के साथ मला प्लॉट का जो साइज होगा वो क्या बनेगा। साथ मला का प्लॉट जो मैप में गिवन है वो है 30x55 का प्लॉट, यानी 30 फीट फ्रंट होगा और 55 फीट उसकी विड्थ होगी, यानी डेप्थ होगी उसी प्लॉट की। 30x55 का प्लॉट होगा तो इसमें अगर आप बायलॉज को देखें रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के, चूंकि गुजर खान जो है रावलपिंडी ही की सबसे बड़ी तहसील है, तो यहाँ पे आरडी के बायलॉज फॉलो करेंगे। तो आरडी के बायलॉज के मुताबिक यहाँ पे जो आपको रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक 80% कवर्ड एरिया अलाउड है, यानी कि 7 मरला के प्लॉट में जो आप कवर्ड एरिया यूज कर सकते हैं वो है 5.3 मरला। इस 5.3 मरला में आपने 5 फीट बैक साइड पे, 5 फीट सामने वाली साइड पे ये स्पेस खाली छोड़नी है। और ऊपर आते हाइट की, अब आती है रिस्ट्रिक्शन की हाइट कितनी अलाउड है। हाइट इसमें आपको 25 फीट अलाउड है। 25 फीट ऐसे बनती है कि आपकी बेसमेंट, आप उसमें तकरीबन 3 फीट अगर बाहर निकालते हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, ये आपको परमिसेबल है। इससे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन आप नहीं कर सकते। फर्स्ट जो सेकंड फ्लोर होगा उसमें सिर्फ आप सर्वेंट क्वार्टर और ममटी और वाटर टैंक ये बना सकते हैं, बाकी आपको इससे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन की इजाज़त नहीं है। तो अगेन बायलॉज के मुताबिक 80% कवर्ड एरिया, 30x55 का प्लॉट, कंस्ट्रक्टेड एरिया बनेगा 30x45 का, 10 फीट कम हो जाएगा 5 फीट सामने से और 5 फीट बैक साइड से। और उसके अलावा जो ये इसमें हाइट की बायलॉज होंगे उसमें आप ग्राउंड प्लस वन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और सेकंड फ्लोर पर ममटी और सर्वेंट क्वार्टर और वाटर हेड टैंक बना सकते हैं। ये तो हो गए सिंपल दो सवाल कि इसमें बायलॉज कहते हैं। थर्ड इज किसकी लोकेशन कहां पे होगी। लोकेशन के वाले सोसाइटी ने भी ऑफिशियली मैप आउट नहीं किया कि इसकी मैप के मुताबिक ये बैलेटिंग हो, इसकी अगले 4 दिनों में बैलेटिंग है, तो बैलेटिंग के बाद की ऑफिशियली प्रॉपरली लोकेशन रिवील हो जाएगी कहां पे है, क्योंकि सेक्टर 1 में रखा जा रहा है। सेक्टर 1 में से मुराद है कि इसको अगले 5 महीने में पोजेशनेबल बना दिया जाएगा। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर मेंबर के ज़हन में आता है कि 7 मरला का जो प्लॉट है उसकी प्राइस क्या डिमांड की जा रही है। 7 मरला प्लॉट की जो प्राइस डिमांड की जा रही है वो की जा रही है 27,90,000 रुपये, और इस प्लॉट की 5,50,000 रुपये डाउन पेमेंट है। तो अगर आप 7 मरला का प्लॉट न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में बुक करवाना चाहते हो, 4 दिन बाद जिसकी बैलेटिंग है, यानी कि जो प्लॉट क्लोजिंग हो जाएगी बिफोर 20th, उस प्लॉट को बैलेटिंग में शामिल कर दिया जाएगा। तो आपको बैलेटेड लोकेशन वाला प्लॉट अगर चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा वेबसाइट विजिट करना मत भूलें, www.makansolutions.com। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक के लिए, खुदा हाफिज़।